मैंने खुद कई पेशेंट्स इस फॉर्मूले से ठीक किए हैं और आज वे बिल्कुल अपनी लाइफ में खुश हैं। मेरे को बोलने लगी थी, एक्चुअली वो फीमेल्स थी, और वे मेरे को बोलने लगी थी कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से कहीं चली जाऊँ, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें थी उनके साथ, और आज वे अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हैं। नमस्कार, आरोग्य योग चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। दुनिया का हर चौथा शख्स अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर मेंटल इलनेस का सामना करता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये WHO का कहना है। WHO के अकॉर्डिंग लगभग 35 करोड़ लोग डिप्रेशन जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल लगभग 9,19,000 लोगों की डेथ मलेरिया से होती है। अगर आप चाहते हैं कि डेंगू मलेरिया से आप बचे रहें, आप ये वीडियो देख सकते हैं। डेंगू मलेरिया से कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग बना सकते हैं, जिससे आपको डेंगू मलेरिया जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, आपको इसका उपाय इस वीडियो में मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे WHO के आंकड़ों की। लगभग 9,19,000 लोगों की हर साल मलेरिया से डेथ होती है और 7 लाख लोग खुद ही अपनी जान दे देते हैं मेंटल इलनेस के कारण। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ऐसी समस्याएं कॉमन हैं जिसके कारण लोग परेशान हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में आती है कि अपनी जान ही गंवा देते हैं। जिन लोगों को नींद या तो कम आती है या उनकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन लोगों को तनाव ज़्यादा होता है, क्योंकि जब नींद कम आती है या नींद डिस्टर्ब होती है, इससे जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है वह डिस्टर्ब हो जाता है और उससे कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसके रिलीज होने से तनाव ज़्यादा बढ़ने लगता है और नींद डिस्टर्ब होती है। तब व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि उसके मन में अनगिनत विचार, बिना वजह के विचार आना शुरू हो जाते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि उसको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, लेकिन ये सारा डिस्टर्ब होते ही उसके मन में बेकार के जो विचार होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। उसको डर लगने लगता है, बिना किसी वजह के ही डर लगने लगता है कि न जाने अब मेरे साथ क्या हो जाए, न जाने अब नेक्स्ट पल क्या हो जाए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो इससे हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। ये सारी बेकार की चीजें उस व्यक्ति को परेशान करने लगती है, क्योंकि उसके माइंड में जो स्ट्रेस बढ़ाने वाला हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, उसका सिक्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और ये स्टार्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप अपनी नींद की क्वालिटी को अच्छा करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, अपनी नींद की क्वालिटी को अच्छा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका स्ट्रेस भी आपकी लाइफ से गायब होना शुरू हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको आराम करने को ही क्यों कहते हैं, हो सकता है वो आपकी दवाई में कुछ नींद की दवाई भी ऐड कर दे जिससे आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। डॉक्टर समझा भी देते हैं कि आप ये दवाई खाएंगे तो इसके बाद आपको नींद अच्छी आएगी, आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ये दवाई लेंगे उससे आपकी नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो आपका अंदर का सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपकी माइंड में जो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा था वह घटना शुरू हो जाएगा, डोपामाइन सेरोटोनिन है उसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। हम अपने घर पर ही अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, जैसे अभी हमने जाना, अगर हम अपनी नींद की क्वालिटी को अच्छा कर लेते हैं, अभी हमारे हाथ में प्रॉब्लम की जड़ आ चुकी है, हमें अपनी नींद अच्छी करनी है, हम जड़ पर काम कर रहे हैं, उसकी रूट कॉज पर काम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम भी ठीक हो ही जाएगी। सभी का दिन सुबह को स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम देखें हमारा दिन शाम को स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे स्टार्ट होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से स्ट्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो इस वीडियो में बताए गए नियम को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा और आपका जो लाइफ स्टाइल होगा वो भी अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी और आप विदाउट स्ट्रेस अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। शाम के समय डिनर लास्ट 7 से 8 बजे के बीच में कर लेना है, बस आप समझ लीजिए यहीं से आपका दिन स्टार्ट हो रहा है। और सबका दिन हो सकता है सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है, 6 बजे स्टार्ट होता है, आप ये ध्यान रखें कि आपका दिन जब आप डिनर कर रहे हैं तब से स्टार्ट हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है भी आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। जब आप शाम को डिनर 7 से 8 के बीच में कर लेते हैं, उसके बाद आप 5 मिनट
बर्जासन में जरूर बैठें। अभी आप बर्जासन आपने कर लिया है, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट पैदल चलें। अब आप पैदल भी चल चुके हैं, अब आप देखेंगे आपने जो खाना खाया है वह अच्छे से डाइजेस्ट हो चुका है, आपको पहले से हल्का फील होना शुरू हो गया है। आप धीरे धीरे करके 2 से 3 घंटे बाद 10 बजे तक लास्ट आपको सो जाना है। जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा फिर आपको उबासी आना भी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको मन करेगा कि अब मुझे सोना है। सोने जाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपने हाथ पैरों को अच्छे से पानी से वॉश करें, अपने फेस को वॉश करें। पानी आप अपने मौसम के अकॉर्डिंग लें, अगर सर्दी का मौसम है तो आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, गर्मी का मौसम है तब आप नॉर्मल अपने ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से आप अपने हाथ पैरों को फेस को अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद आपने जो दिन में कपड़े पहने थे आप उनको चेंज करके हल्के ढीले ढाले कपड़े पहने, जिससे आपको कंफर्ट फील हो। अभी आप जब ये प्रोसेस करेंगे आपको पहले से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप पहले से और ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे होंगे, क्योंकि इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली फील कीजिए। कपड़े आप चेंज कर चुके हैं, ढीले ढाले अपने कपड़े पहन लिए। अब आप थोड़ा सा एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसको हल्का गुनगुना कर लीजिए। आप अपने बेड पर बैठकर 5 मिनट के लिए अपने पैरों में तेल को मालिश कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आपने पैरों में मालिश भी कर ली है, अब आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए। नींद को लाने वाला जो जो केमिकल होता है वह सिक्रेट होना शुरू हो जाए। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपकी नींद को बढ़ाने में हेल्प करता है। कब सिक्रेट होता है? जब आपके आसपास अंधेरा होता है, ये रोशनी में प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं होता है, इसीलिए आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए। अब आप सुखासन में बैठ जाइए, जिसको आलती पालती भी बोलते हैं। अब आप 5 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लें। अनुलोम विलोम आजकल सभी को आता है, आप अनुलोम विलोम कर लेंगे। उसके बाद अपनी मिडल फिंगर को और अंगूठे को मिलाएंगे। इस मुद्रा में आप अपने घुटनों के ऊपर अपने हाथों को रख लें। उसके बाद आप लंबी और गहरी सांस भरेंगे और सांसें आपकी लंबी गहरी हो और लंबी हो और किसी भी प्रकार की आवाज नहीं हो, बिल्कुल शांत लंबी गहरी सांस भरेंगे। और जब आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे आपको अपना पूरा फोकस अपनी सांसों के ऊपर रखना है। सिर्फ 10 से 15 बार आप डीप ब्रेथ करेंगे, आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। फिर आप वहीं पीछे अपने बेड पर लेट जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको रात में इतनी अच्छी नींद आएगी कि सुबह जाकर 4 से 5 के बीच में आपकी खुद आंख खुलेगी। बेड पे बैठे रहें, फिर आप 10 से 15 बार वैसे ही लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर आप पानी पीजिए, फ्रेश होइए, फिर आप अपनी बाकी की दिनचर्या जो भी आपको जैसे करनी है वैसे आप कीजिए। उम्मीद करती हूँ अब आप समझ गए होंगे कि आपके दिन की शुरुआत शाम के डिनर से क्यों हुई है। अगर आप टाइम से डिनर नहीं करेंगे, टाइम से आपका खाना पचेगा नहीं, फिर आप टाइम से सो भी नहीं पाएंगे, पूरी रात आपका खाना ही पचता रहेगा। जब बॉडी की हीलिंग का टाइम होता है उस समय पर अगर बॉडी खाना पचाने में ही लगी रहेगी, बॉडी हील कब करेगी? किसी उथल पुथल में पूरी रात आपकी निकल जाएगी और सुबह आप टाइम से भी नहीं उठ पाएंगे। इसीलिए डिपेंड करता है रात को खाना किस टाइम खा रहे हैं, कब आप सो रहे हैं। जितना भी आपको इस वीडियो में समझाया गया है अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपका होगा। ये सब प्रोसेस करने के बाद कैसा आपको फील हुआ, को नींद कैसी आई और आप पहले से जब आप स्ट्रेस में थे तब से अब में आपको क्या चेंजेस आपको अपने अंदर लग रहे हैं, मुझे एक कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैंने खुद कई पेशेंट्स इस फॉर्मूले से ठीक किए हैं और आज वे बिल्कुल अपनी लाइफ में खुश हैं। वरना मैं अपनी लाइफ में, मेरे को बोलने लगी थी, एक्चुअली वो फीमेल्स थी और वे मेरे को बोलने लगी थी कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से कहीं चले जाऊँ, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें थी उनके साथ और आज मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। इतने सारे लोग मेंटल इलनेस से परेशान हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजफुल कॉन्टेंट मिलते रहेंगे।
मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू, नमस्कार।